नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ई देखिएगा. हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर अमाउंट ऑफ मिल्क. सो टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क विल बी 10 लीटर. ओके, 10 लीटर आपके पास क्या है, मिल्क का अमाउंट है 10 लीटर. ठीक है ना, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि ml में चाहिए आपको. देखो कैपेसिटी ऑफ 250 ml, ठीक है ना, ml में चाहिए. तो ml में क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml. तो पहले ही आप निकाल के रख लो, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है. 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml. ठीक है, तो आप 10 लीटर का निकाल सकते हैं. 10 लीटर दिया है ना आपने अमाउंट, तो 10 लीटर का निकालेंगे. 1 मतलब कम का दिया है, ज्यादा के लिए हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास क्या आ गया भाई, 1000 का क्या आ गया, 10000 ml हो गया आपके पास में. अब देखो, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी, मतलब आपको 250 ml के क्या बनाने हैं, पैकेट बनाने हैं दूध के. एक पैकेट में 250 ml होता है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है आपको. और ऐसे आपको कि 10000 ml में से कितने पैकेट बन जाएंगे, ये पूछा आपको. 10000 तो ml में, लीटर में है 10 लीटर है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आई थिंक. 10 जो लीटर है उसके इक्वली होता है 10000 ml, ml के अंदर अगर आप इसकी यूनिट चेंज करते हो तो. ठीक है, 250 का बनाना है आपको एक पैकेट. देखिएगा लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपन, अपने को क्या है, ml गिवन है, ठीक है ना, पैकेट फाइंड आउट करने है. तो जो गिवन होता है उसको अपन फर्स्ट से लिखते हैं. तो चलिए वह लिख लेते हैं, 250 ml कैपेसिटी ऑफ पैकेट, कितने पैकेट की है, 1 पैकेट की, तो 1 लिख दो. और 250 ml, इट मीन्स नेक्स्ट आप 1 ml का निकालोगे. 1 ml कैपेसिटी बी क्या कर लेंगे, 1/250. नेक्स्ट आपको पता ही, अभी अपन ने ml में चेंज कर लिया पहले ही 10 लीटर को. नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, 10000 ml कैपेसिटी विल बी, चलिएगा क्या करेंगे, 1/250 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10000 से. 10000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10000 1 जा 10000, सो 10000 को आप क्या कर देंगे भैया, अभी ये देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, डिवाइड के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब 1 0 को आप कम कर दो, कट कर दो, दोनों साइड में आपने ये कट कर दिया. ठीक है, अब जो आपके पास रिमेनिंग है इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, चलिएगा, 25/4 जा होता है 100, ये 0 आप नीचे लेके आए, अब 0 में जाएगा नहीं, आपने ऊपर लगा दिया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 40 पैकेट्स बनेंगे. अंडरस्टैंड, कितने, 250 ml के 40 पैकेट्स बनेंगे. इजी है, समझ आ गया होगा ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे रफ में आ जाएगा, बहुत इजी है.